नमस्कार। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? एक नंबर है x, हम लोग मान लेते हैं। लेट द नंबर बी x, नंबर x है। कहता है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 1/2, x में से 1/2 को माइनस किया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 और इस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई किया। x में से 1/2 माइनस किया और उस रिजल्ट को, उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 1/8, यानी कि इज इक्वल टू 1/8। ठीक, x में से 1/2 माइनस किए और उसको फिर हम लोग 1/2 से इंटू किए तो आंसर क्या आ रहा है? 1/8। सॉल्व करिए। अब 1/2 इंटू एक्स, ये 1/2x हो गया, माइनस 1/2 इंटू 1/2, 1/4 हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया 1/8, है ना। तो x अपॉन में 2, x इंटू 1/2 यानी कि x अपॉन में 2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 1/8, ये माइनस 1/4 है तो इधर आकर के प्लस 1/4, है ना। तो x बाई 2 इज इक्वल टू 8 और 4 कैल्शियम 8, 8 से 8 1 टाइम्स, 1 1 जा 1, प्लस 4 से 8 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, तो ये हो गया x बाई 2 इज इक्वल टू ये 3/8, 2 से ये 8 कट गया 4 टाइम्स, यानी कि x इज इक्वल टू 3/4। समझे? ये आंसर हो गया। ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पूल है, समझे। उस रेक्टेंगुलर पूल का पेरीमीटर कितना है? 154 मीटर, यानी कि ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया? 154 मीटर। और पेरीमीटर होता क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 154 मीटर। समझे? अब कहता है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। उसका जो लेंथ है उसके ब्रेड्थ के ट्वाइस के 2 मीटर ज्यादा है। लेंथ जो है क्या है? 2 इंटू ब्रेड्थ प्लस 2, उसके ब्रेड्थ के ट्वाइस से 2 मीटर ज्यादा है, यानी कि 2b प्लस 2 है, ये हमारा लेंथ है। और तो हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 154, और लेंथ का हम लोग यहाँ पे 2b प्लस 2 जो है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2b प्लस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 154। तो 2 इंटू 2b प्लस बी क्या हो गया? 3b प्लस ये हो गया 2 इज इक्वल टू 154। अब ये 2 से ये 154 डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 इंटू में है ना, तो उधर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा 77 टाइम्स, है कि नहीं। तो ये 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 77, है ना। तो 3b इज इक्वल टू ये 2 उधर जाकर के माइनस होगा, तो 77 माइनस 2 यानी कि 75 हो जाएगा ना, माइनस कर लीजिएगा। अब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75/3, ये 3 इधर इंटू है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 3 से 75 के डिवाइड 25 टाइम्स में, है ना। ठीक है, तो b आ गया हमारा 25 मीटर। अब L हमको पता है 2b प्लस 2 है, यानी कि 2 इंटू 25 प्लस 2 यानी कि 25 टू जा 50 प्लस 2 52, समझे। तो ऐसा
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4:2, 2/15, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का जो बेस है वो है 4/3 सेंटीमीटर, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स बराबर होते हैं, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। और उसका टोटल पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर दिया हुआ है 4:2/15, है ना। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस 4/3 = 4:2/15, समझे, यानी कि 2x + 4/3 = 15 × 60 + 2 = 62/15, ठीक है। तो 2x + 4/3 = 62/15, तो 2x = ये 62/15, ये 4/3 उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो 2x = 15 और 3 कैल्शियम 15, 15 से 15 वन टाइम्स ये हो जाएगा 62, माइनस 3 से 15 फाइव टाइम्स, 5 × 20, ये हो गया 62 - 20, ये 42 हो जाएगा, अपॉन में 15, 2x = तो ये कट गया 21 टाइम्स, और x = 20, अब ये इसको 3 से ऊपर नीचे आप काट सकते हैं 7 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, तो 7/5 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।